हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम अनुपम नारंग एंड पाठ्यक्रम चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, मुझे कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, कई मेरे फ्रेंड्स को जो टीचर्स ही हैं और कुछ और फ्रेंड्स को, जैसे कि हमें अभी अगर हमें वर्क फ्रॉम होम करना हो स्पेशली टीचिंग के लिए, तो आई कैन सी दैट कि मुझे काफी बार सुनने में आता है कि गूगल फॉर्म के बारे में या फीचर्स के बारे में सबको यूज करना नहीं आता प्रॉपरली। सो आई एम जस्ट हेयर टू गाइड यू पीपल हाउ टू यूज डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ गूगल फॉर्म्स टू टू एसेस और टू जस्ट ऑर्गेनाइज एनी टेस्ट, हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म्स का आपको आपको पेज लॉग इन करना है। अपने जीमेल आईडी से आप कर सकते हैं, अगर आपका जीमेल आईडी नहीं है तो प्लीज जरूर बना लीजिए। ये ब्लैंक फॉर्म पे आप देख पा रहे हैं, ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करने के बाद डेफिनेटली आपके पास एक अनटाइटल्ड फॉर्म आपके सामने आएगा। अगर तो आप ऑप्शंस को अगर आप क्वेश्चंस को अपने आप जज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वन वर्ड क्वेश्चन है या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है या टू लाइन क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ टाइपिंग हो सकती है, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप इसी आपके सामने जो फॉर्म ओपन हो रहा है उसमें आप क्वेश्चन डाल देंगे, जैसे व्हाट इज योर नेम, या व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज योर नेम हमने इसके अंदर टाइप कर दिया। एंड देन हमारे पास क्या रहेगा इसके अंदर, दिस इज अ शॉर्ट टेक्स्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, आई हैव मार्क्ड इट शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में आप एक लाइन आंसर लिख सकते हैं, जो भी बच्चा देगा आंसर आप उसको बाद में जज कर पाएंगे। ओके, आप उसको बाद में जज कर पाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं इसको मार्क भी कर पाऊं, मतलब अगर आपको सिर्फ कुछ डिटेल चाहिए बच्चे की, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल चाहिए बच्चे से, नेम चाहिए आपको, ये सब चीजें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप उसको मार्क भी करो, आप उसको पेपर की तरह, जो है क्वेश्चन पेपर की तरह उसको मार्क भी कर पाओ, मार्क्स भी दे पाओ और साथ में बच्चे को रिस्पॉन्स भी कर पाओ, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन ध्यान देना पड़ेगा। आप यहाँ सेटिंग्स पर जाएंगे, सेटिंग्स में हमारे पास क्विज का ऑप्शन आता है, और ये जो ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ग्रे मिलता है, इसको आप ब्लू कर देंगे। ठीक है, मैंने पर्पल कलर डिसाइड किया हो तो मैंने पर्पल कर दिया। मेक दिस एज अ क्विज। अब इस क्विज के अंदर आप क्या चाहते हैं कि बच्चा को इमिजिएटली सबमिशन के बाद रिस्पॉन्ड मिल जाए, तो आप ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं यहां से। ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं बच्चे को मार्क्स एक बार मैं ऑप्शन देखने के बाद मार्क्स सेंड करूं चेक करने के बाद, तो आप ये मैनुअल रिव्यू वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि क्या बच्चा करेक्ट आंसर देख पाए, अब एक टेस्ट चल रहा है, कोई बच्चा जल्दी सबमिट कर देगा, कोई बच्चा देर से सबमिट कर देगा, और आप नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं करेक्ट आंसर देख पाए तो ठीक है ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि बच्चा कोई करेक्ट ऑप्शन दे, करेक्ट आंसर देख पाए सबमिशन के बाद, तो आप इसको जो है यहाँ से हटा सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। अब डेफिनेटली बच्चा जानना चाहेगा मैंने कितने क्वेश्चन मिस किए और क्वेश्चन की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन कितने मार्क्स था, तो वो पॉइंट वैल्यूज में हमें शो करता है। मिस क्वेश्चन तो पॉइंट वैल्यूज हमेशा बच्चे को दिखाना ही चाहिए, सो हमने इस ऑप्शन को यहाँ पर सेव कर दिया। ओके जी, अब यहाँ पर आप अगर बच्चे को रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, रिस्पॉन्ड कैसे करें, तो यहाँ पर आप जाएंगे जनरल पे, सेटिंग्स पे जाएंगे, जनरल पे आपके पास कलेक्ट ईमेल एड्रेस आता है, कलेक्ट ईमेल एड्रेस आप हमेशा करेंगे इसके अंदर। ठीक है, आप चाहते हैं कि भैया बच्चे को रिस्पॉन्स भी करें कि उसका फॉर्म सबमिट हो गया है, तो आप रिस्पॉन्स रिसिव भी कर सकते हैं। जैसे जब मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ तो कई बार बच्चों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है कि सर हमें पता नहीं चला कि सबमिट हो गया कि नहीं हो गया, तो ये रिसिप्ट होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे को हमेशा लिखा जाता है, हमेशा लिखा आता है बच्चे के लिए कि भैया हाँ आपकी रिसिप्ट, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। इसके अलावा बच्चा जो है स्टूडेंट एक से दो बार या तीन बार अटेम्प्ट ना कर पाए, तो उसके लिए लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। ये तभी पॉसिबल है जब बच्चा अपना ईमेल आईडी से लॉग इन करेगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस को गलती से भी अनचेक मत करना, इसको ऐसे कैसे छोड़ देना। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज स्टूडेंट भी सब देख पाएंगे, सबमिशन के बाद भी अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर पाएंगे, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम प्रेजेंटेशन में जाते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर आपको कुछ जरूरत की नहीं है, ऐसा तो इसमें कुछ खास चीज नहीं है, पर अगर कंफर्मेशन मैसेज आपको बच्चों को देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट आपका मैसेज दिख रहा है, योर रिस्पॉन्स हैज बिन रिकॉर्डेड, ये तो दिखेगा दिखेगा बच्चों को, तो हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर बच्चे को वैलिड ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर वो ईमेल एड्रेस नहीं डालेगा तो वो टेस्ट शुरू नहीं कर पाएगा। अनटाइटल्ड फॉर्म में लेट से मैंने नाम दे दिया टेस्ट क्लास ट्रायल, ये ट्रायल क्लास है जो आप लोग के लिए मैं रख रहा हूँ। फॉर्म की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स एंड 1 आवर।
मैंने 30 मार्क्स इन 1 आकर टेस्ट रख दिया, मैं चाहूँ तो उसमें स्पेसेस दे सकता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन मी कि हम किस तरीके से रखना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। अब व्हाट इज योर नेम का शॉर्ट आंसर चाहिए, तो मतलब अब यहाँ पर शॉर्ट आंसर, ठीक है, व्हाट इज योर नेम या व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द हाईएस्ट डेजिग्नेशन इन इंडिया या इन कंट्री, तो वो तो हमें पता है प्रेसिडेंट का होता है सबसे ज्यादा। हम चाहते हैं भैया बच्चा यहाँ पर जो है सिंगल वर्ड आंसर दे, तो शॉर्ट आंसर में हम लिख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर ये मेरा शॉर्ट आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन को मुझे मार्क्स देने हैं, कितने मार्क्स का है, तो ये आप आंसर की देख पा रहे हैं, आंसर की भी मैं जाऊंगा, आंसर की भी यहाँ मैंने मार्क कर दिया, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन, जो भी हम चेंज कर सकते हैं। एड अ करेक्ट आंसर, मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रेजिडेंट, अगर बच्चा प्रेजिडेंट डालेगा, इसके अलावा बच्चा कोई और आंसर भी डाल सकता है, तो मैं और कोई ऑप्शन भी डाल सकता हूँ। भैया बच्चे ने अगर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये तब आपका वैलिड है जब आप इसके अंदर मल्टीपल आंसर डाल सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, बच्चा जैसे जैसे फिल करेगा उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स ऐड होकर आपके पास आ जाएंगे, आप मैनुअल रिव्यू के बाद उसको भेज सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मैनुअल रिव्यू डिसाइड कर लिया था। ओके, अब यहां पर हमने कर दिया मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट, अगर इसके अलावा बच्चा कोई भी अदर आंसर देता है तो वो सारे के सारे इनकरेक्ट माने जाएंगे, मैं दो ही ये चीज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डन कर दिया, इसका मतलब मेरे पास ये आंसर सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, बच्चा नहीं देख सकता। अब मैंने इसमें जो है, इसके बाद हमने एक और ऑप्शन डाला इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लेट से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे आपके पास कई फाइल्स भी होंगी, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने, ये देखिए सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं, सेल थ्योरी प्रपोज हुआ है, मैंने यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, एंड ऑप्शन 1 मेरे पास आ रहा है रॉबर्ट ब्राउन, मैंने ये भी यहाँ से ले लिया, तो मैंने ये ऑप्शन 1 की जगह रख दिया रॉबर्ट ब्राउन। सेकंड ऑप्शन में रॉबर्ट हुक मेरे पास आ रहा है, मैंने वो भी कर दिया एड। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है आपके पास शीडन एंड श्वान, तो मैंने ये भी यहाँ डिसाइड कर दिया, एंड फोर्थ ऑप्शन मेरे पास आ रहा है एंटोन वॉन लिवेनॉक, इतना तो कई लोगों को समझ आता ही है। इसके बाद देखते हैं, मुझे सही आंसर मुझे पता रॉबर्ट हुक है, मैं आंसर की पे जाऊंगा, मैंने 1 मार्क का क्वेश्चन दे दिया इसको, और रॉबर्ट हुक मैंने मार्क कर दिया कि सही आंसर है। अगर बच्चा ये आंसर क्लिक करता है तो अपने आप उसको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब इसके अंदर हम चाहते हैं बच्चा चीटिंग ना करे, कभी बच्चे उधर से बता देते हैं ऑप्शन बी है सी है, ऐसे आपस में एक दूसरे को मैसेज से बता देते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, 3 डॉट्स के बाद आपके शफल ऑप्शन ऑर्डर आता है, तो इसका मतलब अब जो है बच्चा, मतलब जितनी बार बच्चा भले एक ही भले जितने जितने बच्चे ओपन करेंगे इसको, सबके लिए इसका ऑर्डर अलग अलग मिलेगा, सबके लिए इसका ऑर्डर डिफरेंट होगा हमारे पास, और टोटल हमारे पास आपके पास टोटल हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसके अंदर हमारे पास लगभग 24 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 24 अलग अलग अरेंजमेंट बनते हैं, तो 24 अरेंजमेंट हमारे बनते हैं इसके अंदर 4 ऑप्शन के अंदर, 24 अरेंजमेंट यानी 24 बच्चे हैं, तो उनको सबको 24 को अलग अलग अरेंजमेंट इसका नजर आएगा, यानी कि चीटिंग की संभावना तो खत्म यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद कई बार होता है भैया हम लोगों को कुछ क्वेश्चन डालने होते हैं, हम लोग उसको कैसे सेव करें कैसे ना करें, तो उसके लिए हमारे बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मान लो कि मुझे फिजिक्स की बात है, कुछ मैथमेटिक्स है, क्वेश्चन कैसे डालें, तो आप सिंपल क्वेश्चन लिख सकते हैं इसके अंदर, आप क्वेश्चन में कुछ मत लिखिए, आप सिंपल क्वेश्चन लिख दीजिए, दैट्स इट, कुछ मत लिखिए इसके अंदर क्वेश्चन। अब मैंने क्या किया इसके अंदर, हमने यहाँ पर जो है पैराग्राफ की बजाय, मान लो अगर आपको मल्टीपल चॉइस भी चाहिए, मैंने मल्टीपल चॉइस रखा, और मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ऐड करी। अब पिक्चर कैसे ऐड करेंगे इसके अंदर, पिक्चर ऐड करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक पेज, इसके अंदर मैंने एक ओपन कर लिया, यहाँ पर मैंने इधर एक क्वेश्चन का ये स्नैपशॉट ले लिया, मैंने इसकी पिक ले ली, कॉपी किया, और फिर मैं जाऊंगा पेंट में, पेंट में आके मैंने पेस्ट कर दिया, जैसे मैंने पेस्ट किया मेरे पास आ गया। अब मैं इसको कंट्रोल सेव करूंगा, मैंने डाउनलोड्स के अंदर मैंने इसको सेव कर दिया, मेरे पास ऑलरेडी फाइल थी इस नाम से, मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मैं वापस जाता हूं अपने गूगल फॉर्म पर, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जाकर अब डाउनलोड्स खोलूंगा, आप देख पा रहे हैं, आप दिखेगा इसके अंदर आपको, आप देखो ये मुझे अनटाइटल्ड पीएनजी मिल रही है, दिख रहा है मुझे यहाँ पर पेज, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मुझे ये फाइल लेकर यहाँ पर ड्रैग करनी है, देखो मैंने यहाँ ड्रैग कर दी, अपने आप अपलोड हो रही है, जैसे ही फाइल अपलोड हो जाएगी मुझे शो कर देगा, आप देख पा रहे हैं,
अब मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूँ बच्चा इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाले न्यूमेरिकल का, तो मैंने न्यूमेरिकल में लेट से 2.5 वैल्यू डाल दी, ठीक है, लेट से यहाँ पर मैंने 3 वैल्यू डाल दी, फोर्थ ऑप्शन दे दिया मैंने 5 दे दिया, और सिक्स और फोर्थ ऑप्शन मैंने 3, इसमें आपका 3.5 दे दिया। अब जो भी इसमें सही आंसर है, अब मुझे मान लो इसको भी देने का, भैया ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, भैया बच्चा सॉल्व करेगा प्रॉपरली, तो मैंने मान लो सॉल्व करने में टाइम लगता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने कर दिया इसको, अब 3 मार्क्स से मैंने ये बी ऑप्शन या इसको हटा के मैंने सी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया, ठीक है, डन कर दिया। अब फिर से वही सेम काम करेंगे हम, हमेशा शफल ऑप्शन ऑर्डर, ऑप्शन ऑर्डर को हर क्वेश्चन में आपको शफल करना पड़ेगा, ओके, हर ऑप्शन में आपको शफल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, ये ध्यान रखना आपको। अगर गलती से आप कोई और ऑप्शन ऐड कर दे, जैसे मैंने 5 ऑप्शन ऐड कर दिया, तो वो ऑप्शन यहाँ क्रॉस के साइन से हट भी सकता है, ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया इस तरीके से। इसमें हमारे पास एक और क्वेश्चन, एक और टाइप की चॉइस होती है, आप इसके अंदर ग्रिड लेवल ग्रिड टाइप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपके पास हो गया मल्टीपल चॉइस ग्रिड, मल्टीपल चॉइस ग्रिड के अंदर रो 1 हमारे पास आ रहा है, रो 2 हमारे पास आ रहा है, अब आप किसके लिए सही ऑप्शन बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ रख दिया करंट का, मतलब क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, सिलेक्ट फॉर राइट SI यूनिट्स, मान लो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने डाल दिया इसके अंदर, और मेरे पास आ गया करंट है यहाँ पर, यहाँ पर मेरे पास मैंने लिख दिया इसके अंदर एम्पियर, और यहाँ मेरे पास आ गया रेजिस्टेंस, मैंने डाल दिया इसके अंदर, मैंने यहाँ पर डाल दिया आपका मो, कोई यूनिट है, कोई यूनिट हो सकता है आपका, यहाँ मैंने डाल दिया इसके अंदर पोटेंशियल, पोटेंशियल मैंने यूनिट रख दिया इसके अंदर आपका न्यूटन पर कूलम, और मैंने फोर्स के अंदर डाल दिया इसके अंदर, जैसे कि आप कह सकते हैं इसके अंदर मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यूनिट हमने डाल दिया वोल्ट। अब आपने बच्चे से पूछा भैया बताओ इनमें से कौन सा पेयर सही है, तो ऐसे के लिए आप क्या करेंगे, आंसर की गई आंसर की पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग के लिए है, ये आपका मैच द फॉलोइंग के लिए हो जाता है, मैच द फॉलोइंग किस तरीके से है, अब करंट जो है एम्पियर से मैच करता है, रेजिस्टेंस के लिए मान लो मैंने चलो मैंने मो कर दिया, रेजिस्टेंस मो से मैच करता है, पोटेंशियल वोल्ट से मैच करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो न्यूटन पर कूलम से मैच करता है, तो ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका बन जाता है, और मैंने हर एक के लिए पॉइंट दे दिए भैया, बच्चे ने जितने किया उसके लिए उसको पॉइंट 1111 मिल जाएंगे, तो मैंने ये डन कर दिया, मतलब इनमें से ये आपका बन गया मैच द फॉलोइंग वाला पार्ट, अभी आपका मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बन गए यहाँ पर, आप भले ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म में भी डाल के कर सकते हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में एक और तरीके से बताता हूँ आपको, अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो उसका एक और तरीका हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उसका एक और तरीका यह है कि सिंपल आप लिख दीजिए मैच द फॉलोइंग, एंड देन आपके पास जो है इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, यहाँ से मैंने इसके अंदर डिसाइड किया मैच द फॉलोइंग में जाते हैं हम, क्वेश्चन कहाँ गया मैच द फॉलोइंग वाला, जी ये रहा मैच द फॉलोइंग, अब मुझे ये ऑप्शन जानना है, ठीक है, तो मैंने जो है क्या किया, मैंने यहाँ से इसको अगेन इसका मैंने स्नैपशॉट ले लिया, मैंने इसका स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है, मैंने स्नैपशॉट ले लिया, अब ये स्नैपशॉट मैंने दोबारा से पेंट में जाके सेव कर दिया, और मैंने इसकी विड्थ को सेट कर दिया, यहाँ से ये आ गया, मैंने सेव कर दिया, ये उसी PNG में दोबारा जाके स्टोर हो जाता है हमारे पास। अब मैंने फिर से यहाँ पर एक पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर पे जाके अगेन मुझे ड्रैग फाइल करनी है, तो मैंने वही सेम फाइल को ड्रैग कर दिया यहाँ पर जो डाउनलोड में सेव हुई थी मेरी, और अब मेरे पास अभी देखेंगे मेरे पास मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन सामने आ जाएगा, ये देखिए मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन सामने आ गया, ठीक है, मैंने इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या है कि या तो मतलब जब बच्चा चारों सही करेगा ऑप्शन तभी आप मार्क्स दे सकते हो, अगर हाफ सही करे तो मार्क्स नहीं दे सकते इस केस में, ठीक है ना, इस केस में आप क्या करेंगे, अब आपको इसमें जैसे के जैसे मैंने ऑप्शन डिसाइड कर लिया, ये मैंने कॉपी कर लिया राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, अब मुझे राइट आंसर किस में बनाना है वो मैटर करता है, जैसे मान लो मुझे ऑप्शन 3 में राइट आंसर रखना है, तो मैंने ये जो चीज है वहीं कॉपी पेस्ट कर दिया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया इधर, अब मैंने ये चीज यहाँ पर आके कॉपी कर ली और मैंने ऑप्शन 1 में पेस्ट करी और कुछ मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, इधर S चला गया इधर R चला गया, इस तरीके से आप मल्टीपल ऑप्शन बना सकते हो, मैंने यहाँ भी ये चीज करी, अब S जो है इधर चला गया मेरे पास और इधर मेरे पास आ जाता है Q,
और यहां भी मेरे पास मैंने सेट कर दिया, इधर आ जाता है क्यू और इधर चला जाता है मेरे पास ए के साथ आर। मैंने चार ऑप्शन बना दिए, मुझे पता है मेरा सही आंसर जो है थर्ड वाला है, तो मैंने अब इसको इसको मार्क्स देने हैं वन पॉइंट। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपका अगर पूरा क्वेश्चन बच्चा सही करेगा तभी उसको वन मार्क मिलेगा इस टाइप में, अदरवाइज नहीं मिल सकता। ठीक है, ये मैंने डन कर दिया सेम, और वही सेम चीज मेरे पास आएगी इसके अंदर शफल ऑप्शन ऑर्डर, यानी ऑप्शन हमेशा शफल होंगे। ये क्वेश्चन पहले भी आप कर सकते हैं, इसमें ये पहले वाले में भी कर सकते हैं, शफल रो ऑर्डर, रो का भी ऑर्डर आप शफल कर ताकि बच्चा कंफ्यूज हो क्या यूनिट किसका है। लेकिन इस वाले टाइप में क्या है, इस वाले में हर सही चीज का मार्क्स मिलेगा। अगर आपको ऐसे देना है तो आप इसी वाला सिलेक्ट कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं भैया बच्चे को अलग अलग मार्क्स मिले हर चीज के लिए तो आप ये सिलेक्ट कीजिए इसके अंदर। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे को किस चीज के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे। ओके जी, ये हमारे पास आ रहा था, तो मैंने आपको इसके अंदर क्वेश्चन बताया। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं, बच्चे जब करने बैठते हैं तो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं आजकल, क्या करते हैं वो क्या करते हैं हमारे पास, वो जो है आपस में व्हाट्सएप पे चीट कर लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो उसके लिए हमारे पास क्या तोड़ा है, हम सेटिंग पे जाएंगे दोबारा से। सेटिंग में जाने के बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, सेटिंग में जाने के बाद हम जाते हैं इसके अंदर आपका प्रेजेंटेशन में, क्विज में जाते हैं, क्विज में जाके देखेंगे हम क्या दिख रहा है हमें इसके अंदर। ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ था, चेंज सेटिंग्स, तो जो शफलिंग का ऑप्शन आता है क्वेश्चन का वो आप देखेंगे जनरल में हम लोगों ने लिमिट टू वन रिस्पांस कर दिया था। प्रेजेंटेशन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ शो होगा शफल क्वेश्चन ऑर्डर। इससे क्या होगा, इससे बच्चा जितनी बार लॉग इन करेगा उतनी बार ही उसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन का देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपके चीटिंग के सारे आपके जो बच्चों की चीटिंग के तरीके वो खत्म हो जाएंगे और टाइम लिमिट रखेंगे तो हाँ जी कुछ ऑप्शन तो बच्चों के पास रहते ही है, बच्चा ऑनलाइन है ऑनलाइन चीट कर सकता है, बट कोशिश कीजिए क्वेश्चन ऐसे डालिए जो कि ऑनलाइन ना मिले आसानी से, दैट विल बी मोर बेटर। अच्छा, इसके अंदर आपका एक और चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि बच्चा प्रॉपर आपको डेरिवेशन करके दे, भैया प्रॉपर आपको जो है आंसर जो है प्रॉपर आपको डेरिवेशन करके दे। अगर आप चाहते हो भैया बच्चा प्रॉपर आपको आंसर करके दे डेरिवेशन करके दे, तो आप क्वेश्चन के अंदर आप एक और चीज कर सकते हो, तो बहुत सिंपल तरीका, जैसे हम ट्रेडिशनल पेपर लेते आए हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है जी, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लॉन्ग आंसर टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर के अंदर मैं जो है अगेन एक इमेज डालूंगा और इमेज में किस चीज की डाल रहा हूँ, लेट से मुझे जो है एक मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया और उस क्वेश्चन पेपर के अंदर मेरे पास ये आठ क्वेश्चन है, तो मैंने इन आठ के आठ क्वेश्चन की इमेज ली, कॉपी करी, पेंट में गया, फिर यहां डाला और इस इमेज को सेव कर दिया। हर बार आपको अलग अलग इमेज सेव करने की जरूरत नहीं है, सेम नेम से ही सेव हो सकती है हर बार, क्योंकि एक बार आपने पहली इमेज डाल दी उसके बाद उसकी जरूरत तो पड़ने वाली नहीं है, तो आप बार बार उसी में ही सेव करते रहो, सब कुछ काम चल जाएगा, आपको ज्यादा मेमोरी भी यूज नहीं होगी। कई बार टीचर्स के या कई बार आपके मन में सवाल आ रहा होगा यार इससे क्या हम बहुत सारी इमेज सेव करते रहेंगे, नहीं जरूरत नहीं है ऐसी, आप इसमें डालो। मैं एक ही इमेज सेव करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, मैंने आपके सामने इतने सारे तीन चार क्वेश्चन की इमेज डाली है, आप देखेंगे मेरे सामने अभी, ये देखिए मैंने यहाँ पर ओपन किया, देखो मेरे सामने एक ही फाइल आ रही है अनटाइटल्ड पीएनजी, मैं एक ही फाइल रखता हूँ हमेशा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती दूसरी फाइल की, मैं उसी में एडिट करता हूँ उसी में सेव करता हूँ, इससे देखो ये कॉपी हो गया मेरे पास। अब आप सोचोगे बच्चों से हम कैसे मंगाए आंसर, मेरे पास क्वेश्चन पर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास जहाँ पैराग्राफ आंसर है ना, वहां पर एक और चीज का ऑप्शन आता है हमारे पास, फाइल अपलोड का, आप बच्चों से फाइल अपलोड का ऑप्शन मंगा सकते हो, रिस्पॉन्डेंट जो है आपका जो भी बच्चा है वो आपको फाइल अपलोड करेगा। अब फाइल अपलोड कैसी करेगा वो आपको डिसाइड करना है, मैक्सिमम फाइल साइज कितना एमबी का होगा, 10 MB का रखना है, 100 MB का रखना है, मैंने मानो 100 MB का डिसाइड कर दिया, और किस टाइप की फाइल आप अलाउ करेंगे। भैया आपने जैसे बोला कि पीडीएफ चाहिए या डॉक्यूमेंट चाहिए किस टाइप का, तो जैसे पीडीएफ हम कैम स्कैनर यूज करके कोई ऐप यूज करके पीडीएफ बना सकते हैं, हमने पीडीएफ यहाँ पर डाल दी। ऑडियो वीडियो का ऑप्शन मत रखना भैया, वो बहुत बल्की फाइल्स हो जाती है, संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, पीडीएफ ऑप्शन इज मच बेटर। आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसके अंदर,
अब इसके अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना है भैया सही आंसर का, तो इसके अंदर आप सिंपल आप करोगे, जैसे भैया आपका कितने मार्क्स पेपर बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मार्क्स का मेरा पेपर बन गया, तो ये पूरा पेपर बन गया 9 मार्क्स का, ठीक है। और इसका आंसर जो है तभी दूंगा जब मैं मैनुअल करूंगा, क्योंकि मैंने क्या डिसाइड किया, मैनुअल डिसाइड किया हुआ है ना इसके अंदर, तो यहाँ देखिए मैंने तो इसके अंदर मैनुअल डिसाइड किया हुआ है सेटिंग्स के अंदर क्विज में, ये देखो मैनुअल, हमारा मैनुअल रिव्यू, हमने मैनुअल रिव्यू डिसाइड किया था, तो मैनुअल रिव्यू के बाद ही मैं इसको मार्क्स बच्चे को दूंगा, ठीक है, ये मैनुअल रिव्यू के बाद ही बच्चा एक दूसरे के मार्क्स ले पाएगा, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। आप मैनुअल में आपके पास इमेज आएगी, इमेज को आप चेक करो भैया क्या चेक है, कैसी इमेज है क्या है, उसके बाद आप उसको कर सकते। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास, मैंने आपको इतने तरीके बताए कि आप इस गूगल फॉर्म्स को इतने तरीकों से आप यूज कर सकते हो, दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू, सो थैंक यू। आप प्लीज वीडियो को देखिएगा, जरूर एंड तक देखिएगा, और अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज पुट प्रेस द बेल आइकन, यहाँ पर एजुकेशन वीडियोस और इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए वीडियोस भी डाली जाएंगी, सो प्लीज 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 सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल पाठ्यक्रम। बाय बाय।